वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पर मैं डेली एक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूं। और आज की ओरिजिन स्टोरी होने वाली है डीसी के ब्रूटल सुपर विलन प्रोफेसर पिग के ऊपर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर द रैंडम गाय ने। तो अगर आप भी अपने फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो ला पाऊं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रोफेसर पिग की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी कॉमिक बैटमैन इशू 666 में, जो कि रिलीज हुई थी जुलाई 2007 को। या नॉट अ वेरी ओल्ड कैरेक्टर, प्रोफेसर पिग एक मेंटली अनस्टेबल बट ब्रिलियंट सर्जन है, जिसे लोगों को परफेक्ट बनाने का स्ट्रेंज सा ऑब्सेशन है, जिसके चलते वो लोगों को किडनैप कर ब्रूटली टॉर्चर करके उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर उन्हें स्विच कर इधर उधर लगा देता है इन ऑर्डर टू मेक देम परफेक्ट। प्रोफेसर पिग हर रोज लोगों को किडनैप करता है और एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाकर उनके टुकड़े टुकड़े करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, एंड ज्यादातर लोग इस प्रोसेस में मारे भी जाते थे। बट प्रोफेसर पिग शुरू से ऐसा नहीं था। पहले प्रोफेसर पिग एक ब्रिलियंट सर्जन था, बट फिर वो पैसे के लालच में आकर एक इवल सोसाइटी दी स्पाइरल के लिए काम करने लगता है और एक ऐसा सीरम बनाने लगता है जो कि लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सके। बट वो सीरम बनाते बनाते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस कारण उस सीरम का साइड इफेक्ट प्रोफेसर पिग के माइंड पे होता है और वो एक क्रेजी साइकोपैथ बन जाता है। और फिर वो कुछ गुंडों को हायर करके, जो कि उसके लिए गौतम सिटी से सिविलियंस को किडनैप कर लाएंगे, अपना गैंग बनाता है ताकि वो अपना सीरम उन्हें देकर उनके माइंड को कंट्रोल कर पाए। प्रोफेसर पिग का मोटिव था अपनी खुद की एक आर्मी बनाना, जिसके लिए वो सिविलियन को पकड़ कर लाता था, टॉर्चर करता था और उन्हें अपना सीरम देकर उनके माइंड को कंट्रोल कर लेता था। एंड इसी के साथ वो डॉल फेस जैसे मास्क को गर्म करके अपने विक्टिम के फेस पे लगा देता था, जिस कारण वो डॉल फेस उनके मास्क के साथ परमानेंटली फ्यूज हो जाता था। एंड ये सब करके प्रोफेसर पिग अपनी खुद की एक माइंड कंट्रोल डॉल आर्मी बना लेता है, जिसे वो नाम देता है डोलोट्रॉन आर्मी। एंड डोलोट्रॉन आर्मी की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस कारण एक दिन वो हॉस्पिटल से बाहर भी आने लगे, जो कि पूरी तरह से ब्रेनलेस थे। और तभी ये आर्मी प्रोफेसर गॉर्डन एंड बैटमैन की नजर में आती है। तो इसके बाद बैटमैन एंड जिम गॉर्डन साथ मिलकर इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड फाइनली वो उस हॉस्पिटल का पता निकाल लेते हैं। और हॉस्पिटल एंटर होते ही पहले बैटमैन की डोलोट्रॉन आर्मी के साथ फाइट होती है, एंड उसके बाद प्रोफेसर पिग के गुंडों के साथ, जिनकी बैटमैन जम के धुलाई करता है। एंड लास्ट में बैटमैन प्रोफेसर पिग को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है उसके द्वारा किए गए सभी ब्रूटल मर्डर्स के कारण। एंड इन द एंड बैटमैन उसे आर्कम असाइलम में डाल देता है। एंड लेटर डीसी रीबर्थ के दौरान प्रोफेसर पिग एंड डोलोट्रॉन आर्मी रिटर्न करती है गौतम शहर में एंड अपना कह डालती है। एंड इस बार प्रोफेसर पिग ओनली टीन एजर्स को ही अपना विक्टिम बनाता था अपनी डोलोट्रॉन आर्मी में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके चलते वो कई टीन एजर बॉयज एंड गर्ल्स को किडनैप कर चुका था और ब्रूटली उन्हें टॉर्चर करके अपनी डोलोट्रॉन आर्मी में कन्वर्ट कर रहा था। एंड इसी मिशन के दौरान प्रोफेसर पिग रॉबिन को भी किडनैप कर लेता है एंड डोलोट्रॉन बनाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। बट एक्चुअली में ये रॉबिन का प्लान था प्रोफेसर पिग के ठिकाने तक पहुंचने का, और वहीं से उसी वक्त रॉबिन अपने आप को फ्री कर डोलोट्रॉन आर्मी के साथ फाइट करने लगता है। एंड इस मिशन में रॉबिन का मेन मोटिव था इम्परफेक्ट डोलोट्रॉन्स को फ्री करना, मतलब कि इस बार प्रोफेसर पिग ने जो माइंड कंट्रोल सीरम बनाया था वो ठीक तरह से काम नहीं करता था, जिस कारण डोलोट्रॉन्स के माइंड पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता था। एंड इसी रीजन से कई डोलोट्रॉन्स अपनी कॉन्शियसनेस को वापस गेन कर लेते हैं और रॉबिन एंड नाइट विंग इन्हीं सबको फ्री करने आते हैं। एंड रॉबिन के सिग्नल को ट्रैक करता हुआ नाइट विंग भी वहां पर पहुंच जाता है एंड डोलोट्रॉन्स के साथ फाइट करने लगता है। एंड इसी दौरान नाइटविंग का सामना प्रोफेसर पिग से होता है एंड नाइटविंग प्रोफेसर पिग को बहुत बुरी तरह से धोता है। एंड इसके अलावा प्रोफेसर पिग ने अपने दो डोलोट्रॉन्स को रॉबिन एंड नाइटविंग की कॉस्ट्यूम भी पहनाई थी, जिसका नाम उसने उन्हें दिया था हेल स्पैरो एंड डेथ विंग। एंड मिरेकली वो दोनों ही अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लेते हैं एंड रॉबिन को प्रोफेसर पिग के ठिकाने का पता बताने वाले भी यही दोनों थे। एंड देन रॉबिन एंड नाइटविंग हेल स्पैरो एंड डेथ विंग को फ्री करवाते हैं एंड बाकी सब को भी, एंड प्रोफेसर पिग को अगेन आर्कम असाइलम में डाल देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ प्रोफेसर पिग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड नए है तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप अपने किसी पसंदीदा कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं देन बी श्योर टू कमेंट बिलो और मैं जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।